आई थिंक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज जनरली आई डोंट कुक एट होम बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन माई वर्क एंड विद माई सन. So, you know, out of the blue, cooking today was so nice and especially because we won, Archana and me won. So, it was so amazing to have such a nice partner and if both of us together, you know, if we can be of any benefit to these children, then it's all the more, it's all the more encouraging for us and it makes us happy and proud today. Yes, you know, that it feels nice that we could remove a little bit of our time and contribute towards this and this can be a fundraising event for them and it can also give a little bit of happiness to the children and we can work with them. So, it really makes us both feel really happy about it. We got many. Yes. our food was thoroughly, yeah. You know, everybody told us we deserve to win and they loved our gravy and even the chef said he loved our gravy, so we're thrilled. And we won the first runners-up. Chib, bahut maza aaya. पहले कभी ना मैंने किया है ना इन्होंने किया है. पहली बार हम कर रहे थे और थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था बिगनिंग में, बट जैसे ही हम वो वर्किंग कुक स्टेशन पे पहुंच गए, रेसिपी हमारे पास थी तो हमने बनाना शुरू किया और जैसे हम बनाते गए थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. एंड एट दी एंड ऑफ द डे थॉट है कि ये हम एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं था कि हमने बनाया नहीं हम नहीं आएंगे, बट आई मीन हम लोग दोनों ने सोचा कि कम ऑन इट्स फॉर अ गुड कॉज, लेट्स डू इट. हमने ज़िंदगी में शायद पहली बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाई है. हम जनरली खाना भी नहीं बनाते, सो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत मज़ा आया. वत्सल जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ ये करने में भी बहुत मज़ा आया एंड हमारी एक बहुत प्यारी सी असिस्टेंट थी इस्माइल की तरफ से, उसने भी हमें बहुत हेल्प की. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाएँ तो देर इज़ नथिंग बेटर देन दिस. और जो हमने हमारी खुद की बनाई हुई डिश खा के भी देखी तो एक्चुअली अच्छी बनी थी. इट वॉज या इट वॉज़ क्वाइट नाइस. और शेफ़ को प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी डिश का थीम था विथ अ स्माइल. तो हमने जो ट्रेडिशनल डिश होती है उसके बजाय वत्सल के आइडिया से वी मेड स्मॉल स्माइली फेसेस और उसके ऊपर एक टमेटो लेमन सॉस का स्माइली भी बना दिया था. सो आई थिंक वी हैड फन इन द होल एक्सपीरियंस. आज हमने चिकन बादामी रोल नवाब ज़ादा पिकनिक था डिश का नाम, तो हमने वो बनाया साथ में मिलके बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार. सो टू कुक फर्स्टली मैं तो वो चीज़ एंजॉय कर रहा था बिकॉज ही वाज हेल्पिंग मी आउट अ लॉट. मुझे ज़्यादा कुकिंग आती नहीं है, वो ये हेल्प कर थोड़ा संभाल लिया हमने. हाँ जी बिल्कुल. आई थिंक वो बोले कि एकदम ऑन ट्रेंड जो भी फ्रांस में चल रहा है फूड के ट्रेंड में उसके एकदम लाइक लग के है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वेदर इट इज फैशन और फूड यू नो यू वॉन्ट टू बी ग्लोबली इंस्पायर्ड बट क्रिएट समथिंग फ्रॉम लोकल थिंग्स एंड इट्स सच अ ग्रेट फाउंडेशन यू नो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. स्माइल के किड्स के साथ भी कोलैबोरेट करके बहुत मज़ा आया. So it was very exciting opportunity. हाँ जी कंप्लीट डिश पहली बार बनाई है, वो भी गार्निशिंग और ड्रेसिंग वेसिंग के साथ. पूरी डिजाइनर डिश थी डिजाइनर डिश थी करेक्ट.